अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कैनवस वैली। ये आज आपके सामने है 12x12 इंचेस का कैनवस, और इसके बैकग्राउंड पे जैसे आप देख रहे हैं, हमने राउंड में जो लिखा है उसके लिए ग्राफ बनाया है। 1.5 इंचेस का ग्राफ बना लिया, 5 रोज़ एंड 5 कॉलम्स बिल्कुल इसके सेंटर में। तो कलर्स जो हमने यूज़ करने हैं वो हैं ये येलो अकर, पर्पल रेड और स्कारलेट, पोर्ट्रेट टोन ऑरेंज और वाइट एंड ब्लैक, जैसे कि डार्क और लाइट शेड के लिए। तो इन कलर्स का यूज़ करते हुए सबसे पहले हमने इसका बैकग्राउंड तैयार करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कलर यूज़ करने के लिए वाटर स्प्रे करेंगे कैनवास के ऊपर, ठीक है। और इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे, और सेंटर से स्टार्ट करना है क्योंकि लाइट टोन जो है वो इसकी सेंटर में होगी। तो पोर्ट्रेट शेड यूज़ करेंगे और उसके बाद हम इसको डार्क टोन की तरफ लेके जाते जाएंगे, और इस तरह से हम सर्कल में ही इसको बैकग्राउंड को फुल करेंगे। कलर्स को बिल्कुल इसी तरह से मर्ज करना है कि कहीं पे किसी शेड की शार्पनेस नज़र नहीं आनी चाहिए। तो पोर्ट्रेट कलर के बाद हमने ऑरेंज और जिस तरह से येलो कलर यूज़ किया वो जिस तरह से मर्जअप किया, और उसके बाद अब यहाँ पे यूज़ करेंगे, इसके बाहर हम पर्पल रेड यूज़ करेंगे, तो उसको भी सेम इस तरह से मर्ज करेंगे। और अगर लगे कि कलर ड्राई हो रहा है तो उसके ऊपर वाटर स्प्रे कर लेंगे। तो इसी तरह से इसको फॉलो करते हुए आपने बैकग्राउंड तैयार कर लेना है। यहाँ पे हमने राउंड शेप में सारे कलर्स को अच्छे से मर्जअप कर लिया है, लाइट टू डार्क। सेंटर में हम चाह रहे थे ज़्यादा प्रोमिनेंट हो लाइट शेड, तो हमने वहाँ पे एंड पे पोर्ट्रेट टोन जो है वो और ऐड की थी। तो अब ये सर्कल में हम लिखेंगे। यहाँ पे हमने अगेन जो पहले मैंने आपको दिखाया था वो हमने चौक से अगेन ट्रेस कर लिया, वही 1.5 इंचज़ का ग्राफ जो हमने बनाया था, 5 रोज़ एंड 5 कॉलम्स बिल्कुल सेंटर में, तो वो रेडी है। अब इसके ऊपर हम लिखेंगे ब्रश से। तो ब्रश हम यूज़ करेंगे यहाँ पे स्केल के मुताबिक, हमें यूज़ करना चाहिए 6 mm। तो 6 mm से अब हम इसके ऊपर लिखेंगे, तो उसका जो शेड हमने यूज़ करना है वो होगा, ये हम फ्लैट ब्रश यूज़ करेंगे इसके लिए। तो शेड हमने यूज़ करना है यहाँ पे पर्पल रेड और ब्लैक को मिक्स करके, यहाँ पे हम इसके ऊपर लिखेंगे पर्पल रेड और ब्लैक को मिक्स करते हुए थोड़ा सा ब्लैक इसके अंदर ऐड करेंगे, और इसके ऊपर बिल्कुल सेम इसको ब्रश से ट्रेस करेंगे। और दोनों को मिक्स करने के बाद कुछ इस तरह का शेड आपके पास आना चाहिए जो इसके ऊपर आप लिख सकें। इसलिए हमने इसके बैकग्राउंड पे, जहाँ पे हमने लिखना है उसके बैकग्राउंड पे लाइट शेड है, ताकि ये वाला प्रोमिनेंट हो उसके ऊपर। तो इसको ट्रेस करने के लिए एक मैंने ब्रश लिया है, जिससे हम चौक को थोड़ा सा हटाएँगे और देन उसके ऊपर लिखेंगे, ठीक है। चौक हमने हल्का कर लेना है, इसकी जो ट्रेसिंग हुई है थोड़ी लाइट करेंगी और इसके ऊपर
हम लिखना शुरू करेंगे। सिक्स एमएम के ब्रश से जितना हमने लिखना था, जो लिखाई हमने करनी थी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, वो हमने कंप्लीट कर लिया है उसी ग्राफ के ऊपर बिल्कुल। ठीक है, इस तरह से आपने उसको कंप्लीट कर लेना है। अब इसके बाद यहाँ पे हम इसके ऊपर 3 mm के ब्रश से इराब वगैरह, तश्कीलात वगैरह, जो चीज़ें हमने फिलिंग फॉर्म्स इसकी करनी है, फिल करना है, इसकी खूबसूरती लेके आनी है, वो इससे आएगी। तो यहाँ पर 3 mm का आप ब्रश यूज़ करेंगे और इसको फिल करेंगे सेम कलर से। यहाँ पर हमारी कैलीग्राफी जो है वो बिल्कुल रेडी है। बैकग्राउंड पर जो आपने ग्राफ वगैरह बनाया होगा वो आप किसी भी वेट फैब्रिक से उसको क्लियर कर सकते हैं, तो बिल्कुल आपकी जो कैलीग्राफी होगी वो नीट और तैयार होगी। तो ये हमने 2 ब्रशेस यूज़ किए हैं, सिर्फ 6 mm और 3 mm, और फ्लैट ब्रशेस यूज़ किए हैं। बैकग्राउंड भी हमने फ्लैट ब्रश के साथ ही बनाया है, तो इस तरह से आपका ये कैलीग्राफी की पेंटिंग जो है वो आपके सामने इस तरह से तैयार होगी। आज की वीडियो हम यहीं पर ख़त्म करते हैं और बाकी इंशाल्लाह हम कोर्स में मज़ीद सीखेंगे। वीडियो को लाइक करें, मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।